धारा 370 को हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि धारा 370 का हिंदू मुस्लिम इशू से रिलेट करना बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि ये धारा ऐसे प्रावधानों को जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट होने के लिए रोकती है जो प्रावधान मासीज को एम्पावर करने की बात करते हैं। जैसे 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट की बात होती है। 73rd अमेंडमेंट पंचायतों को मजबूत करने की बात करता है, लेकिन इस धारा 370 के कारण 73rd अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं किया गया। स्वर्गीय हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, ये उनका सपना था कि 73rd अमेंडमेंट को पूरे भारत में इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर में इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया गया। सबसे बड़ा कारण 370 है, और अब जबकि 370 हट गया है, अब लोगों को लगता है कि जो फंड्स जो हैं, जैसे केंद्र सरकार ने भी अनाउंस किया है कि फंड्स जो हैं डायरेक्टली पंचायत को जाएंगे, और 370 के हटने के बाद यहाँ पे 3-tier पंचायती राज सिस्टम स्थापित होगा, जैसे देश भर में जगह जगह है। तो उससे ये होगा कि लोगों पंचायतें मजबूत होंगी, फंड्स डायरेक्टली आएंगे, गांव की डेवलपमेंट होगी, और फिर वही बात हम जैसे कह रहे हैं कि जब पंचायतें स्ट्रेंथन होंगी तो पंचायतें केवल हिंदू या मुस्लिम की नहीं होंगी, आम समाज की होंगी, और मेजॉरिटी ऑफ जो पंचायत हैं हमारे यहाँ पे 44,086 पंचायत हैं, और जिनमें हम कहें कि 3,000 के लगभग मुस्लिम डोमिनेटेड पंचायत है, और वो लोग भी इससे एम्पावर होंगे। इसलिए बार बार हम ये कहते हैं कि इसको हिंदू मुस्लिम रंग नहीं देना चाहिए, इसको हैव नॉट और हैव नॉट के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, इसको मासेस और रूलिंग एलिट्स के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। तो